बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है यमराज और मौत। बहुत समय पहले किसी गांव में जैमल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। जैमल के घर में उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे थे, लेकिन एक एक करके वो सभी किसी न किसी बीमारी की वजह से मर गए थे। इसी वजह से जैमल को मरने से बहुत डर लगता था। वो हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था कि किसी तरह उसे मौत से बचने का रास्ता मिल जाए। एक दिन यमराज आकर मुझे ले जाएंगे। काश मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं मरने से बच जाऊं। एक दिन वो अपने घर में बैठा इसी चिंता में डूबा था, तभी उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए। महात्मा ने जैमल से कहा, हे सज्जन पुरुष, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? जरूर महात्मा जी, आप जब तक चाहे मेरे घर में रुक सकते हैं। ऐसा कहकर उसने बूढ़े महात्मा को हाथ से पकड़ा और उन्हें प्यार से जमीन पर बिछे बिस्तर पर बिठा दिया। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। जैमल अंदर गया और एक के बाद एक कई पकवान लाकर उसने महात्मा के सामने रख दिए। महात्मा ने वो सभी पकवान बहुत इत्मीनान से खाए और फिर वहीं सो गए। अगली सुबह जब उनके जाने का समय हुआ तो वे जैमल से बोले, जैमल, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? क्या आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं? हाँ जैमल, मैंने हिमालय में वर्षों तपस्या की है, मैं अपनी तपस्या की शक्ति से तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। ये सुनकर जैमल बहुत खुश हो गया और बोला, महात्मा जी, मैं कभी मरना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। इस पर जैमल बहुत निराश हो गया और फिर कुछ सोच कर बोला, ठीक है, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे अलावा जो भी मेरे बिस्तर पर बैठे वो मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से उठ ना सके। महात्मा को इस वरदान में ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगा, वो बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। वरदान पाकर जैमल बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन जब जैमल सोने के लिए बिस्तर बिछा रहा था, तभी यमराज उसे लेने आए। जैमल, इस धरती पर तुम्हारा जीवन अब पूरा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यमराज की ये बात सुनकर जैमल पहले तो बहुत डर गया, फिर उसने अपने बिस्तर को देखा तो उसे महात्मा के दिए वरदान की याद आई। वो खड़ा होकर यमराज से बोला, ठीक है यमराज जी, पर आप पहली बार मेरे घर आए हैं, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका तो दीजिए। मैंने अभी अभी ये बिस्तर बिछाया है, आइए कुछ देर इस पर आराम कर लीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगा। यमराज को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, वो आकर उस बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही जैमल खुशी से उन्हें चिढ़ाते हुए बोला, यमराज जी, अब आप मुझे इस धरती से लेकर नहीं जा सकते। मुझे क्या, अब तो आप खुद भी कहीं नहीं जा सकते। ये तुम क्या बोल रहे हो? बहुत साल पहले मुझे एक महात्मा ने वरदान दिया था कि मेरे अलावा जो भी इस बिस्तर पर बैठेगा वो मेरी मर्जी के बगैर इससे उठ नहीं पाएगा, इसलिए ना बाप इस बिस्तर से उठेंगे और ना मुझे अपने साथ लेकर जा पाएंगे। ये सुनकर यमराज डर गया और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी जब वो बिस्तर से नहीं उठ सका तो वो हार मानकर जैमल से बोला, जैमल, मुझे यहाँ से उठने दो, मैं उठूंगा नहीं तो मेरा काम कौन करेगा? तुम्हारा काम लोगों को मारना है, तुम्हें यहाँ बिठाकर मैं खुद को और लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। ये कहकर जैमल वहाँ से जाने लगा। जैमल, अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। पर जैमल ने यमराज की बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें यहाँ बंद करके लोगों को मरने से बचा रहा हूँ, लोग मेरे इस काम से बहुत खुश होंगे।
ऐसा कहकर उसने घर का दरवाजा बंद किया और वहाँ से चलकर अपने खेत पर आ गया। अब से मैं यहाँ अपने खेत में रहूँगा। वैसे भी अब मैंने मृत्यु के भगवान यमराज को कैद कर लिया है, अब मुझे मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सोचकर वो बड़े मजे से अपने खेत में रहने लगा। एक दिन वो अपने खेत में बैठा था, तभी जंगल से एक जंगली सियार उसके खेत में घुस आया और उसकी गाय को खाने लगा। जैमल ने उसे देखा तो वो लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा। रुक, मेरी गाय को खाता है, मैं अभी तुझे बताता हूँ। वो उसके पास गया और उसे डंडे से मारने लगा, लेकिन उसके बहुत मारने पर भी सियार नहीं मरा। जैसे ही वो सियार को डंडा मारता, सियार जमीन पर गिर जाता, लेकिन फिर अगले ही पल खड़ा होकर उसे मारने के लिए उस पर कूदने लगता। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा और आखिरकार जैमल का डंडा टूट गया। हे भगवान, मेरा डंडा टूट गया। ये सियार मुझे खा तो नहीं सकता, पर ये मुझे काटेगा तो बहुत दर्द होगा। ये सोचकर वो भाग खड़ा हुआ। सियार भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते जैमल ने देखा कि जंगल के सभी जानवर गांव में घुस आए हैं और लोग उनके डर से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। थोड़ी और आगे जाने पर वो अपने घर के बाहर पहुँचा, वहीं पर जहाँ उसने यमराज को कैद किया हुआ था। उसने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खोला। वो घर के अंदर गया और दरवाजा अंदर से बंद करके जोर जोर से हाँफने लगा। उसे हाँफता देख यमराज ने उससे पूछा, क्या हुआ जैमल? मेरे पीछे एक जंगली सियार पड़ गया था, मैंने उसे बहुत मारा लेकिन वो मर ही नहीं रहा था, और तो और जंगल के सभी जानवर गांव में घुस आए हैं, लोग उनसे डरकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो संतुलन पक्का बिगड़ जाएगा। लेकिन जैमल को यमराज की बात समझ नहीं आई। उसने यमराज से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी जीव जंतु या इंसान अमर नहीं हो सकता, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। जीवन और मृत्यु संसार का नियम है। अगर मैं किसी को ना मारूं, तो दुनिया बड़े बड़े जानवरों, सांपों, मछलियों और इंसानों से भर जाएगी और सब तरफ हंगामा मच जाएगा। पक्षियों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और इंसानों को मारकर मैं वो संतुलन बनाए रखता हूँ। जैमल यमराज की बात समझ गया। वो हाथ जोड़कर यमराज से बोला, यमराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया आप इस बिस्तर से उठिए और मुझे अपने साथ लेकर चलिए। मैं समझ गया हूँ कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे समय आने पर यहाँ से जाना ही पड़ता है। यमराज को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो जैमल जिसको मरने से बहुत डर लगता था, उसे जीवन और मृत्यु का महत्व समझ आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन और मृत्यु संसार के नियम है, और जो इस संसार में आया है उसे अपनी उम्र पूरी होने पर यहाँ से जाना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।